हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे फ्री टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। ठीक है, तो आज हम LG वॉशिंग मशीन अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप सब देखें और समझें ये कैसे काम करता है और इसमें क्या फैसिलिटी देती है कंपनी। ठीक है, और अगर पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और नहीं पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है LG का है। ठीक है, ये LG का है और ये 4-स्टार का है। ठीक है, और इसमें जो है एनर्जी कंज्यूमर, अगर आपको ये 1 आवर 1 घंटा अगर यूज करते हैं तो 0.0137 यूनिट जो है बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, 1 घंटा में। ठीक है, अगर 1 घंटा अगर इसको हम कंटिन्यू यूज करें तो। ठीक है, लेबल पीरियड जो है 8 मार्च, 8 मार्च लेबल पीरियड है 8 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2021। ये वॉशिंग मशीन है, ब्रांड जो है LG का है, मॉडल जो है इसका P6510 NBAY और ईयर जो है 2021। ठीक है, 2021 है। टाइप है सेमी ऑटोमेटिक, ये सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, और लोड कैपेसिटी है 6.5 kg। वाटर कंज्यूमन अगर आप इसको एक बार वॉश करने के लिए यूज करते हैं तो 18.60 लीटर, मतलब इतना जो है पानी कंज्यूम करता है एक बार में। एक बार अगर इसको कपड़ा धुलाई करने के लिए यूज करेंगे 18.60 लीटर जो है पानी खपत करेगा। ठीक है, और इसमें जो है इतना ही है और इसका MRP जो है नीचे दिया गया है वो भी दिखा देते हैं आपको। MRP है 13190 और कितना मुझको पड़ा है इसका वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉलेज बढ़ाते रहें। ठीक है, तो इसको देखिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। ये पैक है। ठीक है, अनबॉक्सिंग करके आपको हम फिर से इसको दिखाते हैं। तो ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग हो गया है। ठीक है, और देखिए इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है, LG का है। ये सारा फंक्शन भी दिया है। ठीक है, इसका लुक देख लेते हैं पहले। ठीक है, बैक में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पावर है, पावर केबल जो है वो है, ये हमको लगाना है डायरेक्ट पावर बोर्ड में। ठीक है, ये जो दिया है, ये जो देख रहे हैं, इसमें जो है वो जो ड्रेन, मानिए जब हम कपड़ा धुलाई करते हैं वो जो पानी जो गंदा होता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए ये है। इसमें पाइप लगा देंगे। ठीक है, और दे देंगे आप, और पाइप लगा के इससे बाहर पानी निकाल सकते हैं, इसलिए ये दिया है। ठीक है, और ऊपर का फंक्शन देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो है ये आप डायरेक्ट नल से भी पाइप लगा के इसमें पानी ले सकते हैं, और अगर बाल्टीन से देना चाहते हैं उससे भी इसमें दे सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं ये कैसे काम करता है कौन सा। ठीक है, तो पहले तो देखिए आपको नॉर्मल जेंटिल स्ट्रॉन्ग, मानिए आपका कपड़ा कैसा है। ठीक है, कैसा कपड़ा आप वॉश करना चाहते हैं। ठीक है, तो मानिए जैसे जीन्स हुआ, ठीक है, वो अगर हमको साफ करना है तो स्ट्रॉन्ग पर दे देंगे। जैसे मानिए कम्बल होता है, ठीक है, उसको अगर इसमें साफ करना है तो स्ट्रॉन्ग पर दे देंगे। नॉर्मल कपड़ा जो होता है नॉर्मल के लिए इस पर दे देंगे। जेंटिल जो थोड़ा कॉस्टली आता है और मान लीजिए वो कभी कभी यूज करते हैं तो जेंटिल पर इस पर ऑप्शन दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या है, वॉश टाइमर है। ठीक है, वॉश टाइमर में
अगर नॉर्मल कपड़ा है तो 6 पर देना है, और स्ट्रॉन्ग है तो आप 9 या 12 पर दीजिए, और अगर फिर भी साफ नहीं हो रहा है आप 15 पर इसको दे दीजिए। ठीक है, ये लास्ट होता है, ये जो है वॉश टाइमर, ये चलता रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, वॉश करना बंद कर देगा। ठीक है, और इसके बारे में जान गए, इसके बारे में जान गए। ठीक है, कपड़ा देने से पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल है या जेंटिल है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। वॉश रिंस मतलब जैसे देख लीजिए आप, इसमें हम कपड़ा साफ हो गया। ठीक है, अब वो जो पानी बचेगा गंदा जो पानी है उसको हमको बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्रेन का ऑप्शन है, इसको इधर घुमा देंगे। ठीक है, तो ये ड्रेन पानी जो है सारा बाहर निकल जाएगा, वो दिखे थे पीछे में जो था उसी में पाइप लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो इसको इस पर दे दीजिए। अब ये देखिए, ये जो है स्पिन टाइमर, मतलब अब इसमें कपड़ा धुला हो गया, अब दिखाते हैं इसमें जो है कपड़ा धुला हो गया, वो जो पाइप देख रहे हैं वो पीछे में लगाने के लिए इसी से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, अब इसमें कपड़ा तो धुला हो गया, अब कपड़ा धुला हो गया मगर अब हमको पानी निचोड़ना है, तो पानी तो अभी हमको निचोड़ना होगा, तो अब निचोड़ने के लिए ये दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पैक है अभी पूरा, इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं, तो ये जो है ये पानी निचोड़ने के लिए रहता है। ठीक है, अगर पानी निचोड़ना है तो इसमें देना पड़ता है, तो पानी निचोड़ने के लिए इसमें से हम कपड़ा निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे तो वैसे तो निचोड़ नहीं देगा, तो उसके लिए सेटिंग है। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, ये जो वॉश टाइमर है इसको आप 3 मिनट या 5 पर भी दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आवाज़ आ रहा होगा आपको, आ रहा है, ये टाइमर हुआ। ठीक है, ये उतना देर तक इसको पानी निचोड़ेगा, स्पिन करेगा। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आके ऑफ हो जाएगा, आपका कपड़ा धुला होकर पानी निचोड़ के रेडी हो जाएगा। हाँ, मगर कॉलर जो है शर्ट का जो कॉलर होता है उसको आपको थोड़ा हाथ से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वॉशिंग मशीन ऐसा नहीं है सेमी ऑटोमेटिक में जो आपको कॉलर बिना साफ किए हुए देगा। ठीक है, कॉलर आपको साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो आप हम बताते हैं ये वॉशिंग मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए नॉर्मली जो होता है हमारे घर में अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेने में आपको हर एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा, उतना जानकार भी होना चाहिए, और उसमें जो है टूटी का जरूरत पड़ता है, मानिए पानी का टैंक अगर ऊपर है और उसमें जब तक आपको क्या होता है उसमें स्प्रे होना चाहिए, मतलब जब तक वो वाटर टंकी जो है ऊपर नहीं रहेगा तब तक आपको नीचे प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं काम करता है। मगर ये जो वॉशिंग मशीन हुआ ये सेमी ऑटोमेटिक हुआ। ठीक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये नॉर्मल आदमी कोई भी यूज कर सकता है इसको, घर में भी अगर आप किसी को बता दीजिएगा एक बार में तो आप एक बार में ये समझ जाएंगे, मगर हाँ फुल्ली ऑटोमेटिक जो होता है वो आप जल्द से नहीं समझ पाए, इसीलिए ये मीडियम घर के लिए ये सबसे अच्छा होता है, तो आप ये ले सकते हैं, इसका रेंज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका MRP जो है आपको 13,190 है। ठीक है, और डिस्काउंट करके ये आ जाएगा आपको 12,000 से 11,000, 12,500, ऑनलाइन ख़रीदिएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो इससे भी कम में आ जाएगा। ठीक है, और इसका मॉडल नंबर एक बार और बता देते हैं, हम अमेजोन पर डाल सकते हैं, मॉडल नंबर है P6510NBAY। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारा कुछ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको